मुख्यमंत्री जी यहीं पर आ चुके हैं। कोई श्याम वाल वाटी का स्कूल है, अब पहले देवीलाल होता लेकिन आजकल जो श्याम वाल वाटी का स्कूल है इसके अंदर, और वहीं पर जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंडिंग किया है। शोक सभा में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं नरवाना। रामनिवास ऊर्जा खेड़ा जी, अशोक तंवर जी, तो काफ़ी लाभ दे सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। एन जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। बड़ी अपडेट है, नरवाना के देवीलाल स्कूल में इस समय आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो है जज्जनवाला गांव में जो प्रदीप फौजी शहीद हुआ है उसकी शोक सभा में जो है शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में मौके पर बड़े अधिकारी आला अधिकारी पहुँचे हैं। नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी और SDM और ASP SP DC सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, अभी कुछ ही क्षणों में जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का हेलीकॉप्टर है वो देवीलाल स्कूल के अंदर लैंडिंग होने वाला है। नरवाना के चेयरमैन विशाल आ चुके हैं, तो ये आप धुआं देख सकते हैं, धुआं का इशारा है कि यहाँ पर जो है लैंडिंग करेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आप सुनने को मिलेगी। ये आ चुका है जल्द ही, ये देखो ये आ चुका है, ये देखो राउंड के बाद जो है एक बार राउंड करेगा, उसके बाद यहाँ पर लैंडिंग करेगा। दर्शक जितने भी जुड़े हैं खबर को शेयर करें। नरवाना के देवीलाल से ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। आ चुका है, ये देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हवा चली है। लैंडिंग कर चुका है मुख्यमंत्री का जो है हेलीकॉप्टर है। काफ़ी तेज हवा जो एकदम से आई है, जैसे तेज गति से आया मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अभी उतरेंगे, साथ ही जितने भी जुड़े हैं वीडियो को शेयर करें। जितने भी दर्शक जुड़े हैं खबर को शेयर करें। लैंडिंग कर चुका है मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो हेलीकॉप्टर है नरवाना के देवीलाल स्कूल में, और काफ़ी संख्या में जो है प्रशासन पहुँचा हुआ है, ये देख सकते हैं। नरवाना के काफ़ी लोग जो है मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अब जैसे ही पंखों की गति धीमी होगी उसी क्षण में जो है पायलट है जो हेलीकॉप्टर के वो सबसे पहले जो है उतरेंगे, उतर चुके हैं, उसके बाद चेकिंग किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है परमिशन दी जाएगी प्रशासन को। और मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं गाड़ी चली गई है वहाँ पर, अब ये आपके सामने सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। जितने भी दर्शक जुड़े खबर को शेयर करते रहे, एनजी न्यूज़ के माध्यम से तस्वीरें दिखाई जा, मुख्यमंत्री जी उतर चुके हैं, ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी यहीं पर आ चुके हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं नरवाना पहुंचने पर। तो साथियों से अपील रही कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहुंचे हैं नरवाना, लैंडिंग किया है हेलीकॉप्टर, और प्रदीप जो फौजी जज्जनवाला से था, प्रदीप जो शहीद हुआ था उसके घर जो है शोक सभा में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार
सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि बड़ी घोषणा यहाँ पर करके जाएंगे, जैसे 1 करोड़ रुपए का की राशि जो है प्रदीप के परिवार वालों को देके जाएंगे, और साथ में ये भी सुनने में एक नौकरी भी दी जाएगी, और साथ में एक स्टेडियम प्रदीप के नाम से जो शहीद फौजी है उसके नाम से एक स्टेडियम बनाया जाएगा जाजनवाला गाँव के अंदर, ऐसी घोषणा सूत्रों के हवाले से खबर है की जा सकती है। एक नौकरी है और 1 करोड़ रुपया, ये 3 बातें जैसे सामने आई है, बाकी और भी जो चीज़ें जो अनाउंस की जाएगी वो आपके सामने दिखाई जाएगी। जितनी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है उतनी ही आपके सामने बता दी है। दर्शक जितने भी जुड़े खबर को शेयर जरूर करते रहें। तो विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी यहां पर पहुंचे हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला है नायब सैनी जी का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, और साथ में रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, अशोक तंवर जी, तो काफिला आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। कहना चाहोगे सर, मुख्यमंत्री जी मिले हैं क्या, धन्यवाद भी क्या, स्वागत भी किया है? मुख्यमंत्री सारी कुछ मांगे थे उसके लिए हमने लेटर दिया मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, मांगे पूरी हो जाए तो धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, ठीक है जी, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब तो नायब सैनी जी है, बहुत बढ़िया थे, हम अपने सारे काम करने लग रहे हैं, डॉक्टर साहब उत्तर दिए ना, बहुत ही अच्छे।